हैं अडेप्टिव रेडिएशन के। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ पार्टिकुलर और गिवन जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया का क्या हो सकता है, एक हैबिटेट हो सकता है, एक क्या हो सकता है, प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक प्रोसेस होते है किसकी, इवोल्यूशन की होती है किसकी, डिफरेंट स्पीसीज के, एक पार्टिकुलर एरिया है या कोई भी हैबिटेट है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरिया। मीन्स क्या कह रहा है कि मतलब कोई भी डिफरेंट स्पीसीज है उनका क्या हो रहा है कि इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एक जियोग्राफिकल एरिया था, और क्या कह रहा है कि वो रेडिएट किस में कर गया, डिफरेंट टाइप्स के जियोग्राफिकल एरिया में। अगर हम बात करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन की, तो क्या था, एक तो डार्विन फिंचेस थी, एक क्या कह रहा है कि मार्सुपियल रेडिएशन। अगर इनकी बात करते हैं तो देखो, मार्सुपियल रेडिएशन में क्या कहा गया कि एक था कि टी आसमान इन वॉल था। ठीक है, ये अलग क्या चला गया, अलग आइसलैंड पे चला गया, या मान लो कि अलग क्या हो गया, जियोग्राफिकल एरिया चला गया। मीन्स क्या कह रहा है, पहले ये एरिया था, जियोग्राफिकल एरिया था, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के, मतलब क्या कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि इवोल्यूशन हुआ किसका, डिफरेंट स्पीसीज का, और वो डिफरेंट स्पीसीज क्या होगी, डिफरेंट जगह पे चली गई। ठीक है, आप देखो ये क्या है, टाइगर कैट है, बैंडेड आंट ईटर है, मार्सुपियल रैट है, कंगारू है, बैंडिकोट है, कोला है, मार्सुपियल मोल है, सुपर क्लाइडर है। ठीक है, ये क्या था कि इनका एक जगह, पहले तो क्या था कि इनकी एक जगह ही थी। ठीक है, वहां से क्या हुआ कि डिफरेंट स्पीसीज थी, डिफरेंट स्पीसीज थी तो मतलब क्या हुआ कि उनका इवोल्यूशन हुआ और क्या हो गया कि डिफरेंट प्लेसेस पे वो चली गई। इसी तरह क्या था कि जो डार्विन फिंचेस थी, डार्विन फिंचेस में क्या था कि उनके बीक में जो उनकी चोंच थी उनमें क्या हुआ कि उनका इवोल्यूशन हुआ। कोई क्या थी कि इंसेक्टिवोरियस थी, कोई क्या थी कि वेजिटेरियन थी। ठीक है, मीन्स क्या कह रहे हैं, जो कोई इंसेक्ट्स खा सकती थी, कोई क्या कहती है जो दाने वगैरह होते वो खा सकती। ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहा है कि अडेप्टिव रेडिएशन में क्या कह रहा है कि डिफरेंट स्पीसीज की क्या होता है कि इवोल्यूशन होता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है कि जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एरिया होता है। ठीक है, वहां से स्टार्ट हुआ, फिर क्या कह रहा है कि मान लो कि यहाँ पे क्या थी, बहुत सारी स्पीसीज थी। ठीक है, मतलब क्या थी स्पीसीज थी, स्पीसीज होने के बाद क्या कह रहे हैं कि इनका इवोल्यूशन होना है। तो इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप के क्या एरिया थे, प्लेस थे, वहां पे क्या होगा कि ये चली गई और क्या कह रहे हैं कि इनका इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी तरह क्या था कि यहाँ पे मान लो डार्विन फिंचेस थी। ठीक है, डार्विन फिंचेस की क्या होगा कि डिफरेंट स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज क्या कह रहे हैं कि अपने फूड के अकॉर्डिंग, अपने बीक की जो शेप थी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो मतलब अपने जो हैबिटेट थी, प्लेस था, वहां पे क्या होगा कि वो चली गई। ठीक है, इसलिए क्या कहा गया कि एडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है कि एक प्लेस से क्या हुआ कि वो एक प्लेस से क्या हुआ कि इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक प्लेस से और क्या होगा कि इवोल्यूशन किसका हुआ कि डिफरेंट स्पीसीज का हुआ था, वहां से क्या होगा कि जो डिफरेंट स्पीसीज आए वो कहाँ चले गए, डिफरेंट प्लेसेस पे। ये क्या था कि एडेप्टिव रेडिएशन। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के। ठीक है, तो क्या कह रहे थे लमार्क साहब थे, उन्होंने क्या बताया कि जो इवोल्यूशन कैसे होता है कि ऑर्गन्स का यूज होता है और डिसयूज होता है। ठीक है, तो उन्होंने एग्जांपल किसका दिया था कि जिराफ का एग्जांपल दिया। उन्होंने क्या बताया कि जिराफ मतलब क्या कह रहा है कि अपनी नेक होती है उसको लंबा करके क्या करते हैं कि जो लीव्स वगैरह है उनको खाते हैं। तो इसलिए क्या किया कि उन्होंने अपनी नेक का यूज किया तो वो क्या होगा कि उनकी नेक क्या होगी, लंबी होगी। तो लमार्क का मतलब, लमार्क ने इवोल्यूशन के बारे में क्या बताया कि इवोल्यूशन कैसे होता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स से। ठीक है, एक साइंटिस्ट है हागो डिवेरिज, हागो डिवेरिज ने किसके बारे में बताया था कि म्यूटेशन से, अगर मतलब क्या कह रहे हैं जीन में अगर म्यूटेशन आते हैं तो क्या होगा कि इवोल्यूशन होता है। म्यूटेशन क्या होते हैं कि वेरिएशंस होते हैं, या मैं हम बोल सकते हैं कि सडन चेंजेस आते हैं किसमें, डीएनए सीक्वेंस में। ठीक है, अब बात आती है कि डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई अगर मतलब कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म है अगर वो नेचर के साथ अच्छे से अडेप्टेड है तो वो तो क्या करेगी, नेचर उसको तो अपने पास रखेगी। अगर जो नेचर के साथ क्या नहीं कर पा रहा कि वो अपने सराउंडिंग के साथ क्या कह रहा है कि अडेप्ट नहीं कर पा रहा, तो नेचर उसको क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। ठीक है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी किसके ऊपर बेस थी, उन्होंने बताया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कैसे है, लिमिटेड है। सेकेंड क्या कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज। अब क्या कह रहा है कि जो मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन में, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि स्टेबल है, किसमें, साइज में, किसको छोड़कर, सीजनल फ्लक्चुएशन मतलब फ्लक्चुएशन को छोड़कर क्या कह रहा है कि वो क्या है, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन के क्या कह रहे हैं, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज। ठीक है,
बारे में था, एक तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया, ठीक है, डार्विन थ्योरी हो गया, एक साहब आए थॉमस मालथस ने बताया कि जो मतलब पॉपुलेशन को कौन कंट्रोल करता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है वार है, फेमिनिज है, डिजीज है, और क्या है, नेचुरल डिजास्टर। ये नेचुरल डिजास्टर्स क्या करते हैं कि जो पॉपुलेशन साइज होता है उनको क्या करते हैं कि कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जांपल आया, क्या है, इंडस्ट्रियल मेलनिज्म, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में क्या कह रहा है कि एक मोथ थी, ठीक है, पेपर मोथ, उसका मतलब अगर जूलॉजिकल नेम देखते हैं तो क्या आएगा, बिस्टोन बुटुलरिया टिपिका, ये क्या थी, व्हाइट मोथ थी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री के ऊपर क्या करती थी, बैठी रहती थी, ठीक है। तो बैठी रहती थी तो क्या कह रहा है कि ये मतलब पहले तो क्या था, प्रीडेटर से बच जाती थी, ठीक है, इसका कैसा कलर था, व्हाइट कलर था। अब क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में क्या हो गया कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्री तो मीन्स क्या कह रहा है, पॉल्यूशन तो निकलेगा, पॉल्यूशन निकलेगा तो क्या कह रहे हैं कि सारे ट्री वगैरह कैसे हो गए, ब्लैक इन कलर हो गए, ठीक है, ब्लैक कलर के हो गए। अब ये जो हमारे पास मोथ थी, मोथ का कलर कैसा है, व्हाइट है, तो प्रीडेटर क्या करते थे, उसको इजीली कैप्चर कर लेते, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब ब्लैक मोथ आने लगी, ब्लैक मोथ का अगर जूलॉजिकल नाम देखते हैं तो उसका क्या आएगा, बिस्टन ब्यूटुलरिया कार्बोनेरिया, ठीक है, बिस्टन ब्यूटुलरिया कार्बोनेरिया आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो ट्री के भाई ट्री का भी कलर कैसा है, ब्लैक है, और जो इसका जो ब्लैक मोथ है इसका कलर भी कैसा है, ब्लैक है। तो ये क्या कह रही थी कि अपने आप को क्या कर सकती थी, जो प्रीडेटर है प्रीडेटर से क्या कर सकती थी, प्रोटेक्ट कर सकती थी, बट जो व्हाइट मोथ थी वो क्या नहीं कर सकती थी, प्रीडेटर से क्या कह रहा है कि अपने आप को बचा नहीं सकती थी। इसलिए क्या कह रहा है कि एक मिक्स पॉपुलेशन थी, एक मिक्स पॉपुलेशन किसकी थी, व्हाइट मोथ की थी और प्लस किसकी थी, ब्लैक मोथ की। तो वही कह रहा है कि जो अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाया वो तो क्या होगा कि भाई नेचर ने उसको सिलेक्ट कर दिया, बट जो नहीं कर पाया उसने क्या किया कि नेचर ने उसको क्या कर दिया कि एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल दोबारा सुन लो, मान लो कि कोई ट्री है, ठीक है, अब उसके ऊपर क्या बैठी है कि भाई व्हाइट मोथ है, ठीक है, व्हाइट मोथ बैठती, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये अपने आप मतलब फूड इजीली खा रही है, प्रीडेटर्स को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज क्यों नहीं कर पा रहे थे, भाई जो इसका कलर है, जो ट्री है ग्रीन कलर है, व्हाइट कलर है, कुछ भी लगा लो, ठीक है। बट क्या कह रहा है कि जब मतलब या इंडस्ट्री आई, इंग्लैंड में क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री से तो क्या निकलेगा भाई, पॉल्यूशन निकलेगा, पॉल्यूशन निकलने से क्या होगा कि जो ट्री वगैरह है ये बिल्कुल कैसे हो गए, डार्क इन कलर हो गए, ठीक है। जब ये क्या कह रहा है कि जो ट्री थे डार्क कलर के हो गए, तो क्या है कि हमारे पास जो मोथ थी, मोथ कैसी है, व्हाइट कलर की है, पेड़ कैसा है, डार्क कलर का है, इसलिए क्या किया कि ये मतलब अपने आप को प्रीडेटर से नहीं बचा सकती थी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्लैक मोथ आई, भाई अब क्या कह रहा है कि भाई ट्री का भी कलर कैसा है, ब्लैक है, और मोथ का भी कलर कैसा है, ब्लैक है, ठीक है। तो ये क्या कर सकती थी, अपने आप को इजीली हाइड कर सकती थी, अपने आप को क्या कर सकती थी, इजीली क्या प्रोटेक्ट कर सकती थी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो मतलब इसकी क्या थी, व्हाइट मोथ और जो ब्लैक मोथ की एक मिक्स पॉपुलेशन थी, तो नेचर ने ये कहा कि नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग क्या कहा कि मतलब जो ब्लैक मोथ ने क्या किया कि अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग क्या कर लिया कि अडेप्ट कर लिया, बट जो व्हाइट मोथ थी उसने अपने आप को क्या नहीं कर पाया, अडेप्ट नहीं कर पाया, ठीक है। इसलिए नेचर ने क्या किया कि ब्लैक मोथ को क्या किया, सिलेक्ट किया, और जो व्हाइट मोथ हो उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। ये किसके बारे में था, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो क्या कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, एलील्स की, किसने पॉपुलेशन में, वो क्या कह रहा है कि स्टेबल होती है और कॉन्स्टेंट होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। अगर हम जीन पूल की बात करते हैं, जीन पूल भी क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जीन पूल क्या कह रहा है कि जो टोटल जीन्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टोटल जीन्स एंड देयर एलील फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम, जीन पूल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो हम अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं तो वो क्या आएगी कि 1 आएगी, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस 2p क्या हो, प्लस क्या हो, स्क्वायर क्या आया हमारे पास 1 आया, जो पी है और क्या हुआ है, ये क्या कह रहा है कि किसकी फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, एलील ए की और सेकेंड एलील ए, ठीक है। एक तो कैपिटल एलील ए है, एक क्या है, स्मॉल एलील ए है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हार्डीमैन प्रिंसिपल को मतलब क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन। तो अब क्या कह रहा है कि मतलब ये जो 5 फैक्टर्स है इनके कारण क्या होता है कि जो एलील फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उसमें क्या आता है कि चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर हम
माइग्रेशन की बात करते हैं तो जीन फ्लो, अगर जीन फ्लो माइग्रेशन के थ्रू एक बंदा है कोई भी लगा लो यहाँ रह रहा है कि एक यहाँ अलग टाइप की कम्युनिटी है, ठीक है, यहाँ अलग टाइप की पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ अलग टाइप की पॉपुलेशन थी, यहाँ अलग टाइप की पॉपुलेशन थी, जब ये बंदा यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, तब यहाँ क्या कह रहा है कि इस पॉपुलेशन से आप मिक्सअप करेगा तो इसका क्या कह रहा है कि जीन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहा है कि जो मतलब जीन फ्लो और माइग्रेशन क्या करता है कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। नेचुरल सिलेक्शन में भी वही है कि अगर मतलब नेचर सिलेक्ट करता है तो क्या हो जाएगी, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, अगर नहीं करता है तो क्या कह रहा है कि वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या कह रहा है कि इनके कारण भी वो होता है कि जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। म्यूटेशन का तो पता है ये सडन चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो इनके कारण क्या होता है जो एलेल फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि चेंज होती है, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। अब बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के और फाउंडर इफेक्ट की। फर्स्ट थिंग तो आपके दोनों क्यों होते हैं, जीन फ्लो के कारण होते हैं या फिर क्या कह रहे हैं कि माइग्रेशन के कारण होता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो क्यों होता है, जीन फ्लो अक्रस बाय चांस। जब क्या कह रहे हैं कि जो जीन फ्लो या माइग्रेशन क्या आता है कि बाई चांस होता है, ठीक है, तो तब क्या होता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है, ठीक है। अगर हम फाउंडर इफेक्ट की बात करते हैं तो फाउंडर इफेक्ट में क्या कह रहे हैं कि समटाइम्स न्यू पॉपुलेशन ड्यू टू चेंज इन एलेल फ्रीक्वेंसी बिकम्स सो डिफरेंट। अब क्या कह रहा है कि जो न्यू न्यू पॉपुलेशन होता है, ठीक है, उसमें क्या आता है कि एलेल फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, ठीक है, तो वो क्या कैसे बन जाते हैं, डिफरेंट बन जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं दैट इट बिकम्स डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। अब देखो क्या है, कोई भी न्यू पॉपुलेशन थी उसकी एलेल फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, तो एलेल फ्रीक्वेंसी में चेंज आने के बाद क्या कर वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। जब वो टोटली डिफरेंट हो जाती है तो क्या बन जाएगी, टोटली डिफरेंट स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, जो रियल में पॉपुलेशन ड्रिफ्ट हुई है, वो क्या बन जाएगी, फाउंडर बन जाएगी। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें वो रह रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ मैन, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें रट्टे मारने वाली बात है, खुद पढ़ लेना। उसमें क्या है, रामा फथिकस, निडरथल और ये ड्राइविकस, इनके मतलब प्रैक्टिस दे रखे, वो खुद ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर हो गया है फिनिश, इसके बाद करेंगे यूनिट 4 स्टार्ट।